जैसा कि आपको मालूम है, हमने जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले आज 36 घंटे का एहतजाजी धरना दे यहाँ पे शुरू किया है। ये एहतजाजी धरना सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ है, सरकार की अदम तवज्जुही के खिलाफ है। यहाँ के वज़ीर आज़म हिंद निर्मल मोदी जी ऐलान करते हैं कि यहाँ के दर्जे चार मुलाजमीन के साथ इंसाफ फराहम किया जाएगा, उनको रेगुलराइजेशन उनकी रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाएगी, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक यहाँ पर होगा। और दूसरी तरफ यहाँ की जो गवर्नर इंतज़ामिया है वो नाइंसाफी की इंतहा करती है। हमारे जो दर्जे चारों की असामियाँ है, जो हमारा डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, लैंड ओनर्स, सीजनल वर्कर्स, आईटीआई वर्कर्स, सर एक मिनट, आईटीआई वर्कर्स का हक बनता है, उसको यहाँ के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया जाता है, जो कि हमारे हक में शब खून मारा जा रहा है। सरकार से हमने अपील की हमारे मामलात के हवाले से फैसला किया जाए, लेकिन सरकार मामलात के हवाले से फैसला करने के बजाय गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रही है। सरकार से हमारी अपील होगी कि वो हमारे मामलात के हवाले से